गोरखपुर के टाउन हॉल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा और बसपा के सौदेबाजी को नस्ते नाबूद करने के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाना है जरूरी। गोरखपुर पहुंचे भारत सरकार के पूर्व मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि भाजपा के विकास कार्यों को देखकर हताश और निराश हैं विपक्षी पार्टियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गोरखपुर पुलिस ने सिखाया महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण। लोकसभा उपचुनाव में नेताओं का जुबानी जंग है जारी। गोरखपुर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बसपा और सपा के समर्थन को बताया बदबूदार है समझौता। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के द्वारा बनाया गया रंगोली, जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया अवलोकन, कहा अवश्य करें मतदान। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आयुष यदुवंशी ने कहा कि गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशियों की जीत है सुनिश्चित। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं जनता को गुमराह। बांसगांव विधायक विमलेश पासवान ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में उन्नत कर रहा है प्रदेश। 10 मार्च को रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल तथा 14 मार्च को होने वाले मतगणना स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण, कार्यों को समय से पूरा होने का दिया निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा को लेकर केंद्राध्यक्षों की बैठक हुई संपन्न, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए यथार्थ एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित हुई गोष्ठी, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। और गीता वाटिका में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनने के लिए उमड़े श्रद्धालु।